हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो है वो आपको पुणे का पिछली बोर्ड के बारे में जो हम लोग देखने वाले हैं। तो जो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है, यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे मैचेज जो है आपको डोमेस्टिक के और इंटरनेशनल भी जो है वो देखने को अभी तक मिले होंगे। हम लोग देखते हैं किस तरह का जो है सीनरियो बन सकता है, कैसा जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सबको जो है आप डिटेल्स में देखना, वीडियो को जो है वो लास्ट में देखना। और अभी तक आप चैनल से जो है वो सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर जो है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसके अलावा हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाए जहाँ से आप जुड़ सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप प्रॉफिट उठाने की जो जर्नी है बीबीएल में। इसके अलावा जो है आपको बीपीएल शुरू हो रहा है, साउथ अफ्रीका लीग शुरू हो रहा है, इसके अलावा जो है दुबई का जो लीग है वो शुरू हो रहा है, तो इन सब में जो है आप बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रॉफिट उठा सकते हो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो ये ग्राउंड की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ग्राउंड जो है वो काफ़ी पुराना ग्राउंड है और वैसे भी जो यहाँ पे चेन्नई का जो है होम ग्राउंड रहा था। इसके अलावा जो है जो राइजिंग पुणे स्टार्स था उसका भी जो है यहाँ पे जो है वो होम ग्राउंड आपको देखने को मिला था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो ये ग्राउंड जो है बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा फेवरेबल है। जिस तरह से जो है वानखेड़े है उतना फेवरेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ बैटिंग के लिए जो है आपको काफ़ी अच्छा फेवरेबल दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। अब कितना फेवरेबल है अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा छोटा ज़रूर है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी ग्राउंड है उसके कंपेयर में, लेकिन ग्राउंड जो है वो फ्लैट ग्राउंड आपको देखने को मिलता है, लेकिन बिल्कुल ही फ्लैट नहीं रहता है यहाँ पे। और अगर शाम के समय की बात किया जाए तो शाम में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा ड्यू कंडीशन भी जो है वो बना रहता है, जिससे ड्यू जो है अगर मेजर रोल प्ले करता है ऐसे ग्राउंड पे, तो इससे जो है ये भी समझना बनता है कि यहाँ पे चेसिंग जो है वो थोड़ा सा पॉसिबल होता हुआ आपको ज़्यादा नज़र आएगा इस सीनरियो में, लेकिन इस सीनरियो जो है आपको बनता हुआ यहाँ पे नज़र जरूर आएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक ग्राउंड है अगर 180 के आसपास रन बनता है तो मैच जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, और 180 के आसपास रन आप जो है उसे चेस भी कर सकते हो, डिफेंड भी कर सकते हो, लेकिन चेसिंग के लिए ज़्यादा प्रीफर रहेगा कि 160 के आसपास रन यहाँ पे बने तो चेसिंग जो है वो ज़्यादा जो है वो पॉसिबल रहेगा। 170 के आसपास अगर रन बनता है तो यहाँ पे चेसिंग जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है इस सिनेरियो में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो रिसेंट यहाँ पे जो T20 मैचेस देखे गए थे उनमें से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है वो हाई स्कोरिंग मैचेस जो है वो सारे हुए हैं। तो अब हाई स्कोरिंग मैचेज अगर किसी भी ग्राउंड पर होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस यही रहता है कि इस ग्राउंड पे जो भी जो है वो मैचेज होगा उसमें चांसेस यही रहेगा कि ज़्यादातर चांसेस यही रहेगा कि जो भी टीमें टॉस जीतेगी पहले जो है वो क्या करेगी कि पहले यहाँ पे बॉलिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ पे ड्यू का भी साथ मिलेगा, बाउंड्री भी जो है वो एरिया थोड़ा सा रात में जो है वो अंदर लाइट बैटिंग करना यहाँ पर आसान हो जाएगा। जितना जो है वो रात बढ़ते जाएगा उतना ही जब आपको यहाँ पर ड्यू आते हुए आने की संभावनाएँ जो है वो ज़्यादातर बढ़ते जाएंगे, तो ये सीनरियो जो है यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं तो आपको यहाँ पे फास्ट बॉलर जो है वो काफ़ी अच्छा क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं, कि शुरुआत का जो टाइम रहता है वो पिच पे नमी रहता है और ऐसे टाइम पे जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बॉलिंग हो सकता है, जिसमें विकेट मिलने की संभावनाएं जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि स्पिनर बॉलर क्या यहाँ पे चलेगा कि नहीं, तो जब तक ड्यू नहीं आता तब तक स्पिनर जो है काफ़ी इंपैक्टफुल रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई पहले बॉलिंग करता है तो उसके लिए स्पिनर जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे एज़ कम्पेयर टू जो सेकेंड इनिंग है उसमें, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जब ड्यू आ जाएगा तो थोड़ा सा जो है बेनिफिट है जो स्पिनर को मिल रहा था वो जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, थोड़ा सा जो है वो ज़रूर कम हो जाएगा। बैटिंग कंपेयर में तो जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, जो लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसका एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, आप उसको यहाँ पे पिक कर सकते हो और उसके सिनेरियो में जो है आप यहाँ पे एक अच्छा सा जो है वो टीम बना के चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा हम लोग कुछ यहाँ पे स्टेट्स देख लेते हैं, तो आप देखोगे तो T20 अगर हम इंटरनेशनल मैच की बात करते हैं, जो रिसेंट 3 मैचेज हुए उनमें से एक जो है फर्स्ट बैट जीता है और 2 सेकंड बैट जीता है, और फर्स्ट बैट एवरेज देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ फर्स्ट बैट एवरेज जो है वो कितना है, 153 जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं हाईएस्ट भी देखोगे तो यहाँ पे इंडिया ने बनाया था 201 रन, और लोएस्ट देखोगे तो आपको इंडिया ने बनाया था 101 रन, तो ये सीनरियो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक मैच होगा, तो डोमेस्टिक मैच में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि 51 मैचेज जो है वो यहाँ पे हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट बैट जो है वो 28 जीता है और सेकेंड बैट जो है वो 23 जीता है, और फर्स्ट बैट एवरेज आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 162 है। हाईएस्ट देखोगे तो चेन्नई ने बनाया था 211 रन, और लोएस्ट जो है यहाँ पे पंजाब ने बनाया है 73 रन। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न का, तो आप देखोगे तो डोमेस्टिक मैचों की बात कर लेते हैं तो स्कोरिंग एरिया जो है आप देखो तो ये जो है तीनों स्कोरिंग एरिया ले 150 से नीचे, 150 से 70 के बीच में और 170 से 90 के बीच में, तो आप देखोगे तीनों स्कोरिंग एरिया में जो है वो रन बना हुआ नज़र आएगा आपको, मतलब काफ़ी अच्छा जो है वो रन आपको बनते हुए यहाँ पे नज़र
नज़र आता है, ये सीनरियो जो है अभी तक का रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में इन समय जो है एक अच्छा सा प्रॉफिट आप बना सको, तो जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आप जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बहुत अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट आने की जर्नी है ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।